ओम शांति। 4/10/2022 यानी 4 अक्टूबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। मतलब तुम बच्चों को सोचना है कि वो बच्चा परमपिता परमात्मा को ज़्यादा याद कर रहा है तो हम उससे भी ज़्यादा याद करेंगे। इस तरह की रेस करनी है। अगर बाप को भूल जाओगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुप्त रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? आज का प्रश्न है कि मतलब ये जो 84 जन्मों का ड्रामा है, इस ड्रामा के किस गुप्त बात को तुम बच्चे ही जानते हो? तो उत्तर है कि तुम बच्चे ये जानते हो कि सभी आत्माओं का अलग-अलग पार्ट है, और एक आत्मा का पार्ट दूसरे आत्मा के पार्ट से कभी भी मिल नहीं सकता है, और जो आत्माएं 84 जन्म पूरा लेती हैं उन्हीं आत्माओं का गायन होता है। मतलब जो सतयुग में जन्म लेते हैं वही तो 84 जन्म पूरा लेते हैं। तो जो सतयुग में जन्म लेते हैं और जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उन्हीं का ही गायन होता है, उन्हीं की ही पूजा होती है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म लेते हैं वो कमजोर पार्टधारी होते हैं, इसलिए उनकी कोई पूजा नहीं होती है। मतलब जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक में 84 जन्म लेते हैं उन्हों की ही पूजा होती है, उन्हों को ही गायन होता है। बाकी जो 1-2 जन्म बाद में लास्ट में कलयुग में आकर के लेते हैं पतित दुनिया में, वो कमजोर पार्टधारी होते हैं, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। मतलब परमपिता परमात्मा को सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर शरीर में है। तो परमात्मा कण कण में नहीं है, परमात्मा हर शरीर में नहीं है। परमात्मा इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर है, और परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा भी नहीं है। वैसे तो परमपिता परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब उनका नाम भी होता है और रूप भी होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा कण कण में नहीं, हर शरीर शरीर में नहीं होता है, और परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं होता क्योंकि वो ब्रह्मा तन में आता है। और अगर न्यारा होता, परमपिता परमात्मा के नाम रूप से न्यारा होता, तो फिर हम क्यों गाते कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। हम बच्चे गाते हैं ना कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, इस तरह के गाना गाते हैं। तो अगर परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा होता तो ये फिर गाना गलत हो जाता। तो परमपिता परमात्मा वैसे तो निराकार ही है, उसके कोई नाम भी नहीं है, नाम रूप से न्यारा ही है, लेकिन संगम युग में वो ब्रह्मा के तन में आता है, साकार बनता है। ठीक है, ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात बाड़ी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं, वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ मनुष्य नहीं रह सकते। परमपिता परमात्मा कहते हैं, बाप कहते हैं कि मैं एक साधारण से बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिस तन की वानप्रस्थ की अवस्था होती है मैं उसी तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है बाड़ी से परे, तो वह हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम और दुख धाम वो होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में जब मनुष्य रहते हैं तो वहाँ मनुष्यों को सुख ही सुख होता है, जब मनुष्य दुख धाम में रहते हैं तो वहाँ मनुष्यों को दुख ही दुख होता है। तो मतलब सुख धाम और दुख धाम का मतलब ये होता है कि जहाँ मनुष्य रहते हैं। फिर आता है शांति धाम। अब शांति धाम में तो मनुष्य नहीं रहते हैं। शांति धाम कहने से ये सिद्ध होता है कि शांति धाम में केवल आत्माएं रहती है, शांति धाम में मनुष्य नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मतलब सुख धाम दुख धाम में तो मनुष्य रहते हैं लेकिन शांति धाम में केवल आत्माएं ही रहती हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं
तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन मन को अमर कर देते हैं? नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे ना सोचना कि सतयुग में शांति रहती है तो सभी सतयुग के सभी मनुष्य जा कर के गुफाओं में रहते हैं इसलिए सतयुग में शांति रहती है। नहीं नहीं, वहाँ केवल एक ही धर्म ही होता है और पवित्र दुनिया और सभी पवित्र आत्माएं होती हैं इसलिए वहाँ शांति होती है। ऐसा मत समझना कि सतयुग में शांति होती है तो सभी लोग गुफाओं में जाकर रहते हैं इसलिए शांति रहती है। नहीं, वहाँ एक ही धर्म होता है, पवित्र आत्माएं होती हैं, पवित्र दुनिया होती है इसलिए वहाँ शांति होती है। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है, जहाँ द्वैत है वहाँ शांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। ठीक है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सतयुग में केवल एक ही धर्म होता है इसलिए वहाँ शांति होती है, और फिर धीरे धीरे जितने धर्म बढ़ते जाते हैं उतना अशांति होती जाती है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति नहीं रह सकती है। मतलब मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में, शांति धाम में केवल आत्माएं रहती हैं। ठीक है, वहाँ शांति धाम में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं लेकिन सुख धाम में शरीर भी रहता है। मतलब सतयुग सुख धाम होता है तो सतयुग में क्या शरीर नहीं रहता है? नहीं, सतयुग में शरीर रहता है। मतलब शांति धाम में केवल आत्माएं रहती हैं और सुख धाम में शरीर भी रहते हैं, दुख धाम में भी शरीर रहते हैं। अब जब शरीर रहेंगे तो शरीर के साथ कभी एक लगातार शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा ना सके, यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए क्योंकि नंबर बार आना है। आत्माएं भी नंबर बार है ना, कोई सतो प्रधान है, कोई रजो है, कोई तमो है। ठीक है, तो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं, वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। परमपिता परमात्मा बताते हैं कि इस संगम युग पर सभी आत्माएं इस दुखधाम में जन्म ले लेगी। जो आत्माएं 84 जन्म पूरा लेती हैं वो आत्माएं भी इस दुखधाम में आएंगी संगम युग में, और जो आत्माएं लास्ट के एक दो जन्म लेती हैं वो भी अभी यहाँ नीचे आएंगी, फिर सब अपने घर जाएंगी आत्माएं। ठीक है, तो जो आत्माएं पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाने आती हैं वो कमज़ोर आत्माएं होती हैं, अपवित्र आत्माएं होती हैं, उनका बहुत थोड़ा पार्ट होता है इसलिए उनका गायन नहीं होता है। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, ऊँचे ते ऊँचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। हमारा, हम सनातन धर्म वालों का, हम ब्राह्मण बच्चों का ऊंचते ऊंच है भगवान, परमपिता परमात्मा वही धर्म की स्थापना करता है। अब ये भारत की बात हो गई, अब दूसरे धर्म में तो धर्म की स्थापना मनुष्य ही करते हैं, दूसरे धर्म को स्थापना मनुष्य ही करते हैं तो उनकी पूजा करें। दूसरे धर्म वाले तो मनुष्य की ही पूजा करते हैं क्योंकि उनके धर्म को मनुष्य ही स्थापन करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को परमपिता परमात्मा स्थापित करता है। तो तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर हैं, अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खैच हो कि फलाने को देखें, कोई को पता नहीं कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं, तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए। ठीक है, विलायत यानी होता है दूसरे देश वाले, दूसरे देश वाले भी फालतू की बात बहुत करते हैं, गपोड़े मारते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेश से भी ज़्यादा भारत वाले गपोड़े मारते हैं, फालतू की बातें करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कलयुग इतना बड़ा है, अभी कलयुग बहुत दिन चलेगा, मतलब ये भगवान है, वो भगवान है, मतलब सबसे ज़्यादा भारत वाले ही गपोड़े मारते हैं। विलायत वाले भी गपोड़े मारते हैं लेकिन उनसे भी ज़्यादा भारत वाले मारते हैं।
विलायत यानी होता है दूसरे देश वाले। तो बाप आकर अब हमको सही नॉलेज, सारी नॉलेज सही सही देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक ना मिले दूसरे से। ठीक है, कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते। ठीक है, हमारा मुख्य क्रिएटर, मुख्य डायरेक्टर, मुख्य प्रिंसिपल कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा एक्टर भी है, क्योंकि शिव बाबा की भी यहाँ पर ड्रामा में एक्टिंग है। संगम युग पर शिव बाबा भी आकर अपना काम करते हैं, तो शिव बाबा को भी एक्टर कह सकते हैं। अब मनुष्य कहते हैं कि परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कभी एक्ट नहीं करते हैं, वो कभी एक्टर नहीं बनते हैं। और कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। नहीं, परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा तो है, लेकिन संगम युग पर आकर के वो ब्रह्मा के तन में आता है, तो उसका रूप भी होता है और नाम भी होता है। अब लोग कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है। तो क्या परमपिता परमात्मा सब में है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं यह बलरामा हूबहू रिपीट होता रहता है। ठीक है, परमपिता परमात्मा को जो लोग सर्वव्यापी कहते हैं कि हर मनुष्य में परमपिता परमात्मा है, कण कण में परमपिता परमात्मा है, वो लोग सुन लें कि परमपिता परमात्मा कण कण में नहीं होता। परमपिता परमात्मा का भी एक्ट है, परमपिता परमात्मा का भी ड्रामा में काम है। परमपिता परमात्मा का काम है कि अभी संगम युग में पतित को पावन बनाना, तो परमपिता परमात्मा को भी एक्टर कह सकते हैं। अब परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। नहीं, वो नाम रूप से न्यारा जरूर है, लेकिन संगम युग पर आकर के वो ब्रह्मा के तन लेता है, तो उसका नाम भी होता है और रूप भी होता है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि हर मनुष्य में परमात्मा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी मनुष्यों की अपना अपना ड्रामा अलग अलग है। ठीक है, सब मनुष्यों में परमात्मा नहीं है, सभी मनुष्यों का अलग अलग ड्रामा है। एक का पार्ट दूसरे आत्मा से कभी नहीं मिल सकता, सबका पार्ट अलग अलग है। ठीक है, अब ये पार्ट ऐसा भी नहीं है कि इस कल्प में अलग होगा, उस कल्प में दूसरे, उस मनुष्य उसी आत्मा का इस पार्ट में अलग पार्ट है, दूसरे कल्प में उसी आत्मा का अलग पार्ट होगा। नहीं, मतलब एक कल्प में दो आत्माओं का कभी भी एक पार्ट नहीं होता है, सभी आत्माओं का अलग अलग पार्ट होता है। और फिर कल्प, एक कल्प बाद, मतलब जब कल्प बीत जाता है, तो हर आत्मा जैसे 5000 वर्ष पार्ट अपना निभाती है, 5000 वर्ष बाद दूसरे कल्प में भी उसी प्रकार पार्ट उसे निभाना पड़ता है। ड्रामा बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का एग्जाम सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं, तुमको मैं कितनी बार एग्जाम सुनाता हूँ, हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया नहीं होती है। बाप कहते हैं, हम एक हैं तो रचना भी एक है, गॉड इज वन, दूसरे का नाम निशान नहीं, ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा। ठीक है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुमको मैं कितनी बार एग्जाम सुनाया हूँ, मैं हर कल्प कल्प में तुमको एग्जाम सुनाता हूँ, कल्प पहले भी तुमको एग्जाम सुनाया था, अब मैं फिर से तुमको एग्जाम सुना रहा हूँ, कल्प बाद फिर तुमको मैं एग्जाम सुनाऊंगा। ठीक है, और कोई ये दुनिया दूसरी नहीं होती है कि अब ये, मतलब ये भी दुख धाम है, नरक की दुनिया है, रावण राज्य चल रहा है, तो राम राज्य लाने के लिए दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। नहीं, दूसरी दुनिया नहीं होता, दूसरा भगवान नहीं होता, परमात्मा एक ही होता है, दुनिया यही होती है, केवल दुनिया पवित्र, आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र हो जाता है और सुख धाम हो जाता है। ठीक है, तो दुनिया भी एक है और परमपिता परमात्मा भी एक है, मतलब बाप भी एक है और बाप की रचना भी एक है। अब वही एक रचना कभी पतित बन जाती है, कभी पावन हो जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, गाया भी जाता है देव देव महादेव।
पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर वन है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं, शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य है ब्रह्मा, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। ठीक है, मतलब त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ऊंचे ब्रह्मा ही आते हैं, ब्रह्मा को ही गुरु कहा जाता है। शंकर व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा ही हम बच्चों को एग्जाम दे करके ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के गुरु ब्रह्मा ही होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को गुरु कहा जाता है। और वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, तो ऊंचते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव आदि देवी उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। मतलब परमपिता परमात्मा पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। और पवित्र दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, मनुष्य सृष्टि झाड़ की स्थापना कैसे करते हैं, पहले पहले परमपिता परमात्मा आदिदेव और आदिदेवी की रचना करते हैं। यानी आदिदेव हुए ब्रह्मा और आदिदेव आदिदेवी हुई सरस्वती। परमपिता आदि यानी होता है शुरुआत का देव, तो सबसे शुरू का देव तो ब्रह्मा ही होता है ना। फिर इसके बाद जो देवी देवता बनेंगे तो वो बनेंगे, तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले आदिदेव और आदिदेव की रचना करते हैं। फिर आदिदेव और आदिदेवी यानी ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनते हैं। अब सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़े ही बनते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचते हैं, तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं, वह यज्ञ होता है उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से, बाप कहते हैं। इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा। परमपिता परमात्मा एक ज्ञान यज्ञ रचते हैं संगम युग पर। अब यज्ञ में ब्राह्मण की जरूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो वाला यज्ञ हो चाहे परमपिता परमात्मा द्वारा रचा यज्ञ हो। तो जो परमपिता परमात्मा द्वारा यज्ञ रचा हुआ है, ये यज्ञ रूहानी यज्ञ है। और वो जो यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, कुख वंशावली ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ रचा जाता है, वो यज्ञ मटेरियल यज्ञ होता है। उसमें वो जो कुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं, उसमें बाद में घी घीर घृत तिल चावल आदि सब आहुति डालते हैं, स्वाहा करते हैं। मतलब जो कुख वंशावली ब्राह्मण वाली यज्ञ होती है, उस यज्ञ के लास्ट में स्वाहा किया जाता है, तिल घृत गुड़ आदि सब डाल करके स्वाहा किया जाता है, आहुति डाला जाता है। तो ये परमपिता परमात्मा द्वारा जो रूहानी ज्ञान यज्ञ रचा गया है, इसमें सभी मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इसमें कोई कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया ही स्वाहा हो जानी है। ठीक है, मतलब जो कुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं, कोख के द्वारा पैदा हुए ब्राह्मण जो यज्ञ रचते हैं, उस यज्ञ के लास्ट में घृत तिल आदि को स्वाहा किया जाता है, आग में डाला जाता है। और जो ये मुख वंशावली ब्राह्मण द्वारा यज्ञ रचा गया है, परमपिता परमात्मा द्वारा ब्राह्मणों को अगवा करके, मतलब परमपिता परमात्मा ब्राह्मणों के द्वारा जो ये रूहानी ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं, इस ये यज्ञ बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया का ही स्वाहा हो जाना है। अब वो जो कुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं, वो यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। लेकिन इस यज्ञ के बाद, रूहानी यज्ञ के बाद, कभी दो युग में यज्ञ होता ही नहीं है। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से, बाप कहते हैं कि इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होता। ठीक है,
अब समझाया जाता है कि तुम जज करो कि राइट कौन है। यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, यह है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये जो दुनिया में मनुष्यों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की जाती है, इस यज्ञ में लास्ट में घी गुड़ आदि डाल करके स्वाहा किया जाता है। और ये यज्ञ क्यों किया जाता है? दुनिया से उपद्रव मिटाने के लिए। और जो परमपिता परमात्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मणों द्वारा रचा गया यज्ञ है, इस दुनिया में गुड़ घी का स्वाहा नहीं होगा, इस यज्ञ में पूरी दुनिया ही स्वाहा हो जानी है। और वो वाले यज्ञ, दुनिया वाले यज्ञ तो एक के बाद एक यज्ञ होते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ के बाद सतयुग और त्रेता में कभी यज्ञ होगा ही नहीं, फिर द्वापर से फिर से उपद्रव चालू होगा, तो द्वापर से फिर ये मनुष्य यज्ञ रचना चालू कर देंगे। ठीक है, मतलब जो मनुष्य यज्ञ रचते हैं उस यज्ञ से थोड़े समय के लिए उपद्रव मिट जाता है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से सतयुग और त्रेता के ही उपद्रव मिट जाते हैं। मतलब सतयुग और त्रेता में बिल्कुल शांति हो जाती है इस यज्ञ से। ठीक है, तो बाप कहते हैं कि तुम लोग सोचो कि कौन सी यज्ञ सही है। वो जो छोटे छोटे मनुष्य यज्ञ करते हैं उपद्रव मिटाने के लिए, वो यज्ञ हद के हैं। जो लोग यज्ञ में गुड़ घी आहुति में डालते हैं वो यज्ञ हद के हैं, लेकिन ये है बेहद का यज्ञ। इस यज्ञ में सारी दुनिया का स्वाहा होना है और नई दुनिया की, इस यज्ञ के बाद नई दुनिया की स्थापना होनी है। और इस यज्ञ के बाद दो युग तक सतयुग और त्रेता में यज्ञ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में, मतलब द्वापर और कलयुग में। तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते हैं। और फिर गाते हैं, भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी आपे ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो, जरूर नाम रूप बाला होगा तब तो कहते हैं कि भगवान आपकी गतमत न्यारी, परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं मेरी मति सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को तो सब भगत याद करते हैं, जो भक्ति मार्ग में भी होते हैं ना वो भी शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन शिव बाबा की पहचान ना होने के कारण हार जाते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे रचना और रचता का अंत नहीं पा सकते हैं, परमपिता परमात्मा का अंत और परमपिता परमात्मा की रचना का अंत हम बच्चे नहीं पा सकते हैं। हम बच्चे गाते हैं कि तुम्हारी गतिमत न्यारी, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। तो परमपिता परमात्मा अगर बिना शरीरधारी होता, परमपिता परमात्मा की कोई शरीर न होती, तो परमपिता परमात्मा की गतिमति कहाँ से होती? तो परमपिता परमात्मा नाम रूप वाला है। जब ब्रह्मा के तन में आता है तब परमपिता परमात्मा नाम रूप वाला हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य कहते हैं कि हे भगवान आपकी गतिमति न्यारी, लेकिन मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते कि जब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब उनकी गतिमति न्यारी हो जाती है। परमपिता परमात्मा को एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, और एक तरफ ये भी कह देते हैं कि आपकी गतिमति न्यारी। अरे जब नाम रूप से न्यारा है तो उसकी गतिमति क्या होगी? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं जब ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो मैं शरीरधारी नाम वाला हो जाता हूँ, इसलिए मेरी गतिमत न्यारी होती है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का मुक्ति दाता हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हाँ, जब मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो मैं नाम रूप वाला हो जाता हूँ, और तब मेरी गतिमत न्यारी हो जाती है, क्योंकि मैं शूद्र से ब्राह्मण बना करके ब्राह्मण से फिर देवता बनाता हूँ। ठीक है, और सतयुग में दुख की कोई बात नहीं होती। बाप अब दुख से मुक्ति करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, तो हम कलयुग को स्वर्ग नहीं कह सकते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे, नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है? यह फिर नई दुनिया बनती है, ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं।
सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन वासी हैं। सूक्ष्म बतन में थोड़े ही प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। जरूर ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा, सबसे ऊंचा है शिव बाबा, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया रावण राज, जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी, भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठचारी बनाते हैं। मतलब अभी जो कल चल रही है दुनिया, कलयुग की दुनिया, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ मनुष्य कुछ भी करते हैं तो मनुष्य करते पाप ही हैं। तो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार शुरू द्वापर से होता है, फिर बाप कलयुग के अंत में आकर के सबको श्रेष्ठचारी बना करके देवी देवता बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवता थे, वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं, कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहाँ रहे पड़े थे, तुमको किसका संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबर बार पुरुषार्थ किया, सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लाते नहीं हैं, ठीक है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे ही देवी देवता होते हो, फिर 5000 वर्ष लग जाते हैं तुम्हारी कला कम होने में, 5000 वर्ष बाद फिर तुम शूद्र बन जाते हो, ठीक है। ये खेल ही ऐसा है। बाप बैठ हमको समझाते हैं, बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पहले ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य स्थान जैसे अभी माउंट आबू में है, तो पहले कराची में था, तो तुम तो कराची के भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे। जब ये भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो कराची चली गई पाकिस्तान में, तो फिर ब्रह्मा बाबा वहाँ से फिर माउंट आबू में आ गए, ठीक है। तो परमपिता कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे कराची में थे, भारत अलग हो गया पाकिस्तान से, कराची पाकिस्तान में चला गया, तो बंटवारा के बाद भी कुछ बच्चे पुरुषार्थ करने लगे, उनको किसी का संग नहीं था, किसी का साथ नहीं था, फिर भी वो पुरुषार्थ करते थे। संग से दूर होते भी नंबर बार पुरुषार्थ किया, मतलब जब कराची में वो कराची चला गया पाकिस्तान में, तो ये जो सेंटर था ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, सेंटर कराची में था, तो ये जब पाकिस्तान में चला गया तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पुरुषार्थ करने के लिए कोई संग नहीं था, तब भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ करते थे। संग से दूर होते हुए भी नंबर बार पुरुषार्थ किया। हाँ, अब सब तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, स्कूल में भी सभी बच्चे क्या एक जैसे नंबर लाते हैं? नहीं, दो स्टूडेंट को 99 मार्क्स नहीं मिल सकते, क्लास में एक दो के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों को भी रेस होती है, उनमें भी एक जैसे दो हो नहीं सकते। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब भारत बट गया, सेंटर चला गया कराची में, जब बाबा माउंट आबू में आकर के बस गए, तब भी बहुत बच्चे संग ना होने के बावजूद भी पुरुषार्थ करते रहे। लेकिन हाँ, अब कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ किए, कुछ कम पुरुषार्थ किए, अब भी कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ लोग कम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब एक स्कूल में दो बच्चे तो एक जैसे नंबर नहीं ला सकते हैं, दो बच्चों को तो 99 नंबर नहीं मिल सकता है। घोड़ों में भी रेस होती है, तो दो घोड़े एक जैसे तो नहीं दौड़ सकते, कम ज़्यादा दौड़ते हैं ना। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अश्व कहा जाता है। घोड़े को तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि हम बाप के घर पहुँचे, ठीक है। वहाँ तो साइकिलों की रेस, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की रेस है, तुम्हारी युद्ध की रेस है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि रेस किया जाता है घोड़ों का, साइकिल से रेस किया जाता है, बाइक से रेस किया जाता है, लेकिन तुम आत्माओं का आत्मा से ही रेस है। तुम इस रेस को राजस्व अश्वमेध अश्व कहा जाता है। तुम हो रूहानी घोड़े, ठीक है।
तुम्हारी आत्माओं के द्वारा रेस होनी है। जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है ना, तो ये रूहानी अश्वमेध है, इसमें आत्माओं का घोड़ा दौड़ाना है। ठीक है, साइकिलों की घोड़ों की रेस नहीं करनी है, आत्माओं की रेस करनी है। ठीक है, तुम्हारा युद्ध की युद्ध रेस की रेस है, तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है, और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो, सर्व का सदगति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना, सर्व को सुख देने वाला एक ही है। ठीक है, अब तुम ब्राह्मण बच्चों को ये तो नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या फिर किसी आदमी को याद करो, तुम बच्चों को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा को याद करो। वास्तव में सभी पर दया करने वाला एक ही है, सभी को पतित का पतित से पावन बनाने वाला एक ही है। जो शरीर वाले अपने को परमात्मा कहते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, परमात्मा केवल एक ही है, परमात्मा दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सभी को सुख देने वाला एक ही है, सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए, मनुष्यों से सुख धाम का वर्षा नहीं मिल सकता है। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो, यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया, पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। यह तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा, यह भी समझने वाला समझे। ठीक है, आधा कल्प रावण ने हमको श्राप दिया है, आधा कल्प से माया हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, तो अब हमें परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है। ये जो अभी दुनिया चल रही है ये पाप आत्माओं की दुनिया है, और जो सतयुग होता है वो पुण्य आत्माओं की दुनिया, देवताओं की दुनिया होती है। अब पाप की दुनिया में कभी पुण्य तो हो नहीं सकता, लोग भले कहें कि ये मर गया तो स्वर्गवासी हो गया, अरे जब स्वर्ग है ही नहीं तो उसे स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा। अगर कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हो गया, अरे जब अभी स्वर्ग है ये नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जन्म मिलेगा, यह भी समझने वाला ही समझता है। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है, भल विलायत में रहो परंतु सात रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम ये गपोड़े मारने वालों के पास ना बैठो, तुम चाहे विदेश में भी हो तब भी परमपिता परमात्मा के साथ रहो, सात रोज बाबा के संग में जरूर रहो, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेंगे सात रोज रहना, अगर तीर लग गया तो कहेगा और सात रोज रहना है, तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे भले विदेश में रहते हो लेकिन ऐसा सोचो कि हमें सात दिन बाबा के संग रहना है। जब तुम सात दिन बाबा के ज्ञान को ले लोगे, सात दिन बाबा के संग रह लोगे, तो अगर तीर लग गया तो तुम फिर कहोगे कि सात रोज हमें और बाबा के साथ रहना है, तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना, जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं, अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी, कम बात है क्या। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब पक्का रंग लग जाएगा परमपिता परमात्मा का तब तुम विदेश में भी रह सकते हो, तुम बच्चे विदेश में रहकर भी बाबा का परमपिता परमात्मा का बन सकते हो और पवित्र बन सकते हो। अगर तुम बच्चे अभी पवित्र बन जाओगे तो 21 जन्मों का राज्य मिलेगा, तो कम बात है क्या 21 जन्मों का राज्य, एक जन्म पवित्र बनो कोई बड़ी बात है, बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमज बाज है तो युक्ति बताते हैं ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके पति को ले आती हैं, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया, वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बधवाते हैं।
यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बदवाते हैं पवित्रता का, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहुत पत्नियां ऐसी हैं कि जो पतियों को जबरदस्ती ज्ञान में ले आती हैं, लेकिन जब पति को समझ में आ जाता है तो पति फिर पत्नी के आगे ही हाथ जोड़ता है कि मुझे तुमने विकार से बचाया, मुझे सही मार्ग दिखाया। ठीक है, अब जो ये शरीर वाले ब्राह्मण होते हैं ना, ये जो मंत्र देते हैं, हथियाला बधवाते हैं, तो ये ब्राह्मण विकार का हथियाला बधवाते हैं, विकार का मंत्र देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। मतलब जो ब्राह्मण शरीर वाले ब्राह्मण कुख वंशावली ब्राह्मण मंत्र देते हैं, वो विकार का मंत्र देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण पवित्रता का मंत्र लेते हैं, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो तो क्या हम आपकी बात नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ चारियों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह तो असंभव है, लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। मतलब परमपिता परमात्मा को अगर हम अपना साथी बना लें तो सभी शक्तियां हमारे साथ ही रहेंगी, और जहां परमपिता परमात्मा हमारे साथ नहीं रहेगा तो माया हमारे ऊपर अटैक कर देगी और सर्वशक्तियां हमारे साथ नहीं रहेगी, तो परमपिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है, मास्टर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा अगर हमारे पास रहेगा तो सारी शक्तियां हमारे पास रहेगी। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। ठीक है, अगर आज की मुरली आपको अच्छे से समझ में आ गई तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, और पर डे की मुरली ऐसे ही पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।